हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कपिल शर्मा। आज मैं कुछ नया बताने वाला तुम लोगों को, वो थोड़ा सरप्राइज भी है तुम लोगों के लिए। एक सब्जेक्ट है डीई। डी का मतलब था डिजिटल और ई का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने सुना बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो मैं बताता हूँ आज तुम्हें, उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे करते हैं उसको। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं के मैप। के का मतलब होता है कार्नो मैप, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। आइए अपन उसके पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन लेते हैं, उसके सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकालते हैं वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ, और आप जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आइए करते हैं स्टार्ट। जो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत इजी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझ में आए सब बच्चों को। ठीक है, ये हमने बना चुके के मैप। टॉपिक लिखते थे के मैप। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के मैप। ठीक है, तो ये अपन ने एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, अब इसमें पहले देखते हैं, इसमें एक चीज पहले वन का कॉमन देखते हैं। ठीक है, वन वन में अब ऐसे तो आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो यहाँ जीरो, तो अपन वन वन का पेयर देखते हैं पहले। एक ही है और एक ही आ रहा है। ठीक है, अब अपन ना निकालते हैं कैसे इसको, वो देखते हैं। अगर दोनों पेयर कॉमन आ रहे हैं तो अपन उसको लेंगे, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे अपन। तो पहले इसका देखते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वन। ठीक है, तो ये ले लिया अपन ने क्यू एन, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है टी, तो जीरो लग रहा है, मतलब बार लगेगा, टी बार प्लस। अब यहाँ देखेंगे इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, जीरो। ठीक है, क्यू एन बार लग जाएगा, क्या लगेगा, क्यू एन बार, और यहाँ से अपन देखेंगे तो क्या है, वन, तो टी आ गया। ये अपन ने एक निकाला कार्नो मैप, कैसे निकल के आता है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे इससे, लेकिन आपका उससे वो क्लियर डाउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन से मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपके समझ में जरूर आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, यहाँ वन जीरो नहीं आएगा, वन जीरो हमेशा यहाँ आएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ना गलती कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। अब इसमें देखेंगे पहले पेयर किसके, वन के, कौन कौन सा पेयर बन रहा है, एक तो ये बन रहा है जिसमें मैंने ये कर चुका हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं कैसे करते हैं अपन, पहला लिखते हैं अपन नीचे वाला, ऊपर वाला बाद में देखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया, वन, क्योंकि क्यू एन आ रहा है वन। ठीक है, अब इन दोनों, ये ऊपर ही दोनों अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने, इनमें से देखेंगे इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, जीरो जीरो, और जीरो वन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कॉमन पेयर ही नहीं है, तो जीरो जीरो सेम आ रहे हैं, इनको उठाएंगे, मतलब के बार क्या आ जाएगा, के बार प्लस। उसके बाद अब इन दोनों का कॉमन देखेंगे अपन। अब इस वाले कॉमन क्या आ रहा है, जीरो वाला, इस लाइन में, तो क्या आ गया, क्यू एन बार। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से, ठीक है, कौन सा कॉमन आ रहा है, वन वन, वन जीरो नहीं आ सकता, वन वन सेम है, तो क्या आएगा, जे। तो ऐसे ही है, ऐसे निकालते हैं के मैप। आप और भी कोई से भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, और ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें और भी होता है डोंट केयर कंडीशन, वो आप करते जाएंगे तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद अपन लेते हैं नया टॉपिक काउंटर, उसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। टॉपिक अपना काउंटर। काउंटर का मतलब होता क्या है, काउंटर का मतलब होता है काउंट, कैसे करते हैं उस चीज को काउंट। ठीक है, इसमें दो तरह के काउंटर होते हैं, पहला होते हैं असिंक्रोनस और दूसरा होता है सिंक्रोनस। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों का। ठीक है, ये होता है असिंक्रोनस काउंटर, और एक ही होता है सिंक्रोनस काउंटर। तो पहला डिफरेंस देखते हैं असिंक्रोनस का। इसमें क्या होता है, ये सीरियल होता है या रिपल होता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से, सीरियल या रिपल। और इसमें क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, अब दूसरा जो डिफरेंस है इनका, वो है इसकी स्पीड स्लो रहती है,
लेकिन इसका उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी। थर्ड जो लेते हैं अपन कौन सा है, इसमें सिर्फ एक क्लॉक पल्स ही यूज करते हैं बस असिंक्रोनस में। हेलो, लिख देते हैं एक ही क्लॉक पल्स से सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो अपने आप ही कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, हर के लिए इंडिविजुअल, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये हमने देखे किसके, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के काउंटर के डिफरेंस। अब इसके करते हैं सिंक्रोनस काउंटर में क्या, सिंक्रोनस काउंटर उसमें मोड होते हैं तीन तरह के, मैं आपको बताता हूँ। ये सिंक्रोनस काउंटर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोड काउंटर भी बोल सकते हैं। तीन तरह के होते हैं, पहला काउंटर, पहला है मोड थ्री, दूसरा है डिकेड, इसका होता है मोड टेन, और बीसीडी डिकेड भी कहते हैं। बीसीडी का मतलब क्या होता है, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे इसको अपन ग्रे कोड में जैसे अपन कन्वर्ट करना है उसके लिए काम आता है, ठीक है। और सेवन सेगमेंट डिकोडर होता है उसमें काम आता है। तीसरा है अपना अप डाउन काउंटर, ये डिकेड काउंटर है, इसमें कौन सा मोड एट यूज करते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं, मोड थ्री, मोड टेन, मोड एट। अब इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर n कितने हैं, यहाँ पे मोड 10 है, इक्वल्स टू 10 लगाया, हमेशा इससे ज़्यादा ही लेंगे, हमेशा कम नहीं ले सकते। अगर जैसे आपने लिया 2 की पावर 3 8, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, हम इससे ज़्यादा ही लेंगे हमेशा, मतलब 2 की पावर 4 16। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 4। तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे इसमें, 4 फ्लिप फ्लॉप। अब ऐसे ही एट, एट का कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला, 2 की पावर n इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमें तो पता है कि इसमें है ना 8 ही है हमेशा, अब इसमें तो निकल नहीं पाते कि 10 तो आ नहीं सकता था, ठीक है, इसमें 8 आराम से आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8, तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप। हाँ तो दोस्तों, जैसे अपन ने मोड 10 और मोड 8 में करा है, ऐसे मोड 3 में करते हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, 2 की पावर n इक्वल्स टू 3 है, तो अपन को उससे ज़्यादा चाहिए। अब अपन इससे कम तो ले नहीं सकते, इससे ज़्यादा चाहिए तो कौन सा, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो मोड 3 में अपन ने कितने करे, 2 फ्लिप फ्लॉप। डिकेड काउंटर में कितने करे, 4 फ्लिप फ्लॉप। और अप डाउन काउंटर में कितने करे, 3 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आप नया टॉपिक ले रहे हैं अपन, मोड 10 काउंटर। तो उसमें अपन देखेंगे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपना है मोड 10 काउंटर, उसमें होती है एक तो प्रेजेंट स्टेट, PS4 प्रेजेंट स्टेट, या इसको आप PS भी बोल सकते हैं, और यह है नेक्स्ट स्टेट, NS भी बोल सकते हैं, ठीक है, NS। यहाँ पर ले लिए Q3, Q2, Q1, Q0, और यहाँ ले लें Q3, Q2, Q1, Q0, ठीक है। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। कैसे करते हैं, 0 1, इसमें 10 लेंगे क्योंकि कितनी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं, तो अपन 10 स्टेट लेंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले लें, ठीक है। दूसरे में ये ले लेंगे, तीसरे में डबल, उसमें ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट स्टेट तो ये हो गई हमारी, अब नेक्स्ट स्टेट मतलब इसकी आगे वाली स्टेट क्या हो गई, ठीक है। जैसे ये इस लाइन में 0 0, तो इसकी अगली स्टेट ये हो गई, तो यहाँ क्या लेंगे, 0 0 0 1, इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 0 1 0, इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 0 1 1, इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 1 0 0, इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 1 0 1, इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 1 1 0,
इसकी अगली स्टेट क्या होगी, 0 1 1 1, इसकी अगली स्टेट 1 0 0 0, इसकी अगली स्टेट 1 0 0 1, और इसकी अगली स्टेट ये वाली वापस से रिपीट हो जाएगी। तो ये कैसे निकालते हैं अपन, ये आपने देखा अभी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। आई होप यू लाइक इट, और आगे मैं और ऐसे बनाता रहूँगा जिससे आपको और सॉल्यूशन अच्छे और आपके जो माइंड रीके और सॉल्यूशन अच्छे अच्छे हो जाए, आपके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगली बार से। थैंक यू।